छत्तीसगढ़ में साई कैबिनेट ने शुक्रवार को कई अहम फैसले लिए हैं। बैठक में जमीन के पट्टे से जुड़े पुराने सभी सर्कुलर को सरकार ने रद्द कर दिया है, अब नए सर्कुलर जारी होंगे। इसके अलावा कृषि उपज मंडी अधिनियम में बाहर के खरीदारों को भी मौका दिया जाएगा, जिससे प्रदेश के किसानों को अच्छा रेट मिले। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि CGPSC की एनुअल रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट कांग्रेस सरकार के समय की होगी और ये भी तय किया गया है कि मोवा बाजार चौक का नाम शहीद के नाम पर किया जाएगा। इस बीच दुनिया भर से आई तकनीकी समस्या का असर कैबिनेट बैठक में भी दिखा। फ्लाइट रद्द होने के कारण प्रदेश के वित्त मंत्री OP चौधरी बैठक में शामिल नहीं हो पाए, वे दिल्ली में हैं। किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य मिल सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। अब देश के कारोबारी कृषि उपज की खरीद बिक्री बिना रजिस्ट्रेशन के करवा सकेंगे। इसे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को फसल बेचने वालों को अधिकतम मूल्य मिल जाएगा। पहले प्रदेश के बाहर लोगों को यहाँ खरीद में कई तरह की परेशानियाँ आती थी, इसे सरल किया जाएगा। मंडी फीस का नाम बदलकर अब मंडी फीस कृषक कल्याण शुल्क किया जा रहा है। मंडी बोर्ड अपनी सालाना आय की 10% राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा। इसका इस्तेमाल किसानों के लिए होगा।